नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां उत्तराखंड में धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 30 दिन पूरे हो चुके हैं। अब सबके जहन में ये सवाल है कि इन 30 दिनों में सरकार ने आखिरकार कैसा काम किया है। सरकार कह रही है कि इन 30 दिनों में कई बड़े फैसले लिए गए, तो वहीं विपक्ष इसे निराशाजनक बता रही है। पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल के 30 दिन पूरे हो चुके हैं। सियासी गलियारों में अब चर्चा इस बात की है कि आखिरकार सीएम के दूसरे कार्यकाल का एक महीना कैसा रहा। पुष्कर सिंह धामी ने सीएम की कुर्सी संभालते ही सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी का गठन किया। ये कमेटी प्रदेश के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इसके अलावा पति पत्नी दोनों को बुजुर्ग पेंशन का लाभ, पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे नेटवर्क के निर्माण के लिए पर्वतमाला योजना शुरू करने की घोषणा हुई। उसी के लिए एक कमेटी गठित करना, एक कमेटी फॉर्म करना बहुत बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन उसके लिए भी समयबद्धता बहुत जरूरी है। अगर 30 दिन में कमेटी ही फॉर्म नहीं हो पाई तो फिर उस यूसीसी का जो भाव है, जो उसके निहितार्थ हैं, राजनीतिक लोग कुछ दूसरी तरह से देखने लगे। धामी सरकार ने ये भी फैसला लिया कि गरीब परिवारों को 3 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे, तो वहीं पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर सीएम किसान प्रोत्साहन निधि की घोषणा हुई। भ्रष्टाचार रोकने के लिए 1064 ऐप की शुरुआत की गई। पर्यावरण मित्रों का एक दिन का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपए करने समेत कई बड़े फैसले लिए गए। तो सरकार की उपलब्धियों में पेंशन वृद्धि, पेंशन के पात्रों की संख्या बढ़ाना, शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा देना और तमाम ऐसे, और मुख्यमंत्री की 3-4 समीक्षा बैठकों को छोड़कर आपके पास कुछ भी इस तरह का नहीं है कि जनता को बताया जाए। मगर सरकार के 30 दिन के कार्यकाल पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। पूरी तरीके से मैं तो फेलियर मानता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से विद्युत कटौती हो रही है, गाँव में पानी नहीं आ रहा है, और गाँव में जो मेरा घर घर जल घर घर नल वाला जो इनका था प्रस्ताव, उसके रिजल्ट्स अब आने शुरू हैं। गांव में लोगों को 1000-1200 रुपए के बिल आ गए हैं। लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। सड़कें टूटी हुई जो थी आपदा में, आज से 10 महीने हो गए, वो वैसी की वैसी हैं। जमीन में धरातल में कहीं कोई काम दिखाई नहीं दे। उधर भाजपा संगठन मानता है मुख्यमंत्री धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल के 30 दिनों में कई अहम फैसले लिए हैं, साथ ही सरकार ने अच्छा काम किया है। बहुत सुंदर काम हुआ है। कॉमन सिविल कोड की तरफ सरकार बढ़ी है। गैस सिलेंडर जो 3 कहा था उनकी तरफ सरकार बढ़ी है। प्रदेश के अंदर अनेक प्रकार की घोषणाएं हुई हैं, प्रदेश के अंदर कार्यक्रम हुए हैं। तो मैं समझता हूँ इस एक महीने कार्यकाल में सारे मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री ने बहुत ही एक टीम भावना को आधारित और जो हमारा मैनिफेस्टो था, एजेंडा था, उस पर काम शुरू किया है। पुष्कर सिंह धामी का सीएम के तौर पर ये दूसरा कार्यकाल है। मुख्यमंत्री ये कई बार कह चुके हैं कि प्रदेश के हित में जो भी फैसले होंगे, सरकार उन्हें लेने में कोई गुरेज नहीं करेगी। हमारा रजत जयंती वर्ष, उसमें हम श्रेष्ठ राज्य के रूप में जाने जाएं, उस दिशा में हम लोग कदम से कदम बढ़ाते जा रहे हैं और सदे हुए कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश है पारदर्शी तरीके से विकल्प रहित संकल्प को मूल मंत्र मानते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको चरितार्थ करते हुए हम आगे बढ़े। पुष्कर सिंह धामी के पहले कार्यकाल में उन्हें काम करने का ज्यादा समय नहीं मिल पाया, मगर इस बार सीएम के पास वक्त की कोई कमी नहीं है। इसलिए पहाड़ की आवाम चाहती है डबल इंजन की सरकार मिलकर पहाड़ में विकास की गंगा बहा दे। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। यहाँ पर जितने भी मंत्री हैं, किसी भी मंत्री ने ना तो अपना अगले 100 दिन का, 60 दिन का, 30 दिन का कोई एजेंडा सेट किया है, ना अपने कोई टारगेट फिक्स किए हैं। ऐसा आज तक यहाँ कोई प्रेजेंटेशन नहीं हुआ किसी मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के सामने कि फला विभाग अगले 100 दिन में या अगले 6 महीने में या अगले 1 साल में या किसी भी एक निश्चित समयावधि में ये टारगेट अचीव करने के लिए प्रयास कर रहा है। ये एक कार्य योजना तैयार कर ली गई। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।
धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल को उनकी कैबिनेट के मंत्री बेहतर बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष में बैठे कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि इन 30 दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसकी तारीफ की जा सके। मैं समझता हूं हमने लोगों का अधिकार दिया, पंचायत राज के अंदर कितना अच्छा अधिकार दिया है। इस समय जो हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं वो वीडियो की वो लिखेंगे, सीआर लिखेंगे, चरित्र प्रविष्टि लिखेंगे, ये बहुत अपने आप में अधिकार दिया है। उसके बाद हम दीनदयाल पंचमिनी सचिवालय बनाएंगे, तो ये भी हमने एक अच्छा निर्णय लिया है। तो अच्छे निर्णय लेकर के निश्चित रूप में राजहित में काम किया जाएगा। एक माह का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरा करने जा रही है और निश्चित रूप से एक महीने में देखने को मिला है कि कोई रोड मैप नहीं है, कोई ठोस कार्य योजना नहीं है, दिशाहीन है। देखिए, मैं लगातार आपके प्रमुख चैनलों के माध्यम से कहता रहा हूं कि जंगल तबाह हो चुके हैं, खाक हो चुके हैं, राख हो चुके हैं, करोड़ों की संपदा खत्म हो चुकी है, लेकिन उन जंगलों की आग को रोकने के लिए कोई ठोस प्रभावी कदम आज तक नहीं उठाए गए हैं। बिजली कटौती लगातार जारी है, 6 घंटे से लेकर 8 घंटे तक अघोषित बिजली कटौती, और बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं। ये कह रहे हैं कि हम लगातार रोज हम बिजली खरीद रहे हैं, आखिर बिजली खरीदी जा रही है तो आखिर वो बिजली जा कहाँ रही है। और खबर देहरादून से, जहां भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का आज दौरा है। शाम 7 बजे वे देहरादून पहुंचेंगे, भाजपा संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सरकार और संगठन से कामकाज का फीडबैक लिया जाएगा। तो जहां 30 दिन पूरे हो चुके हैं नई सरकार के, और ऐसे में संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष आज दौरा कर रहे हैं। महामंत्री संगठन की 2 दिन की जो राज्यों का भ्रमण होता है उसमें उत्तराखंड राज्य का भ्रमण है, आ जाएंगे। शाम को मंत्री और मुख्यमंत्री सबके साथ बैठना होगा। कल संगठन के लोगों के साथ लगातार बैठना होगा और शाम के समय फिर चले जाएंगे। तो इस प्रकार 2 दिन की विभिन्न प्रकार की बैठकें होंगी। इससे अलग हमारी छोटी बैठक होगी, उसमें सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं आगे। 3 मई से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसे लेकर ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों के साथ चारधाम यात्रा को लेकर मंथन किया है। इस दौरान यात्रा की तैयारियों पर बातचीत हुई। मीटिंग में पीडब्ल्यूडी, पर्यटन, खाद्य आपूर्ति, सूचना समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान पर्यटन मंत्री अधिकारियों पर नाराज भी दिखे। पर्यटन मंत्री ने कहा कि यात्रा की तैयारियां अभी भी अधूरी हैं और अधिकारी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। चार धाम यात्रा की और पीडब्ल्यूडी की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक रही, इसमें सभी विभाग उपस्थित रहे और इसमें हमने बड़े ठोस निर्णय लिए हैं। मास्क मैंडेटरी रहेगी, कंपलसरी रहेगी, जो भी यात्रा करेंगे मास्क पहन करके जाएंगे, सैनिटाइजेशन होगा। हमने जो टैक्सी ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं, उनको भी हिदायत दी हैं और सारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कहा है कि आप कार पार्क बनाएं, और जो कंजेशन है, जो ट्रैफिक के अंदर काफ़ी ट्रैफिक में कंजेशन हो जाता है, उसके लिए जो निदान के उपाय हैं वो करिए। तो उसके लिए हमने कुछ हिदायत भी दी हैं, और जो कार जो हैं जो खड़ी हो जाती हैं उनको उठा करके टो किया जाए और फाइन लगाए जाएँ, ताकि कम से कम लोगों में मैसेज जाए कि भाई हम नॉनसेंस नहीं स्वीकार करेंगे। चारधाम यात्रा के दौरान सड़क बंद ना हो और यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए भी पर्यटन मंत्री ने निर्देश दिए हैं। पर्यटन मंत्री ने कहा कि अधिकारी ये तय करें कि यात्रा बाधित नहीं होनी चाहिए। कई जगह ये भी हिदायत दी गई है कि मार्ग जहां अवरुद्ध होते हैं वहां जेसीबी तैनात किए जाएं, और इसमें कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं कि डीजल किसका खर्च होगा, हमने कहा ये इश्यूज हम खुद सॉल्व कर देंगे, पर यात्रा रूट खुला रहना चाहिए, ये एक हमारी प्राथमिकता होगी। तो काफ़ी निर्णय हमने लिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके कैरिंग कैपेसिटी पे भी निर्णय लिया जाएगा। उधर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने भाजपा में जाने की चर्चा उनकी है। पिछले कई दिनों से सियासी हवा में
ये लगातार बात चल रही है और इस पर प्रीतम सिंह का बयान भी सामने आया है। प्रीतम सिंह ने इन खबरों का खंडन कर दिया है। इसके साथ ही प्रीतम सिंह ने ये भी कहा है कि हाईकमान के सामने ये कहा गया कि गुटबाजी के चलते कांग्रेस की हार हुई है और गुटबाजी में मेरा नाम भी शामिल किया गया। 8 टर्म विधायक के मेरे पिताजी ने और 6ठा टर्म विधायक के रूप में मैंने कांग्रेस को दिए हैं। मैं नाराज नहीं हूं, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, लेकिन एक बात अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से जरूर मैंने कही है, आग्रह किया सोनिया जी से, राहुल जी से, कि जांच हो इस बात की कि जो ये राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल जी ने और इस प्रदेश के प्रभारी देवेंद्र यादव ने कही कि गुटबाजी की वजह से कांग्रेस पराजित हुई है और उस गुटबाजी में मेरा नाम भी इंगित किया गया है। और मैं कहना चाहता हूँ कि भाई जिस दिन से मैं अध्यक्ष बना उस दिन से लेकर आज तिथि तक मैंने अगर कांग्रेस को कमज़ोर करने वाला कोई बयान दिया हो या किसी नेता के विरुद्ध कोई सार्वजनिक बयान दिया हो या कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को हराने का काम किया हो तो भाई अगर ये बात सिद्ध हो जाती है तो फिर राष्ट्रीय नेतृत्व जो कार्रवाई मुझ पर करना चाहे मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। निरंजनी अखाड़े के दावे से अलग आरटीआई में जानकारी मिली है कि मंदिर को फिलहाल कोई भी ट्रस्ट संचालित नहीं कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर कई दशकों से मंदिर की देखरेख और व्यवस्थाएं संभाल कौन रहा है। हरिद्वार में मनसा देवी ट्रस्ट को लेकर विवाद हो रहा है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक मनसा देवी मंदिर जिस जमीन पर बना है वो राजा जी पार्क की जमीन है। ये जमीन 1903 में मंदिर के नाम ट्रांसफर हुई थी, मगर मौजूदा समय में मनसा देवी मंदिर को कोई ट्रस्ट संचालित नहीं कर रहा है। अब सवाल ये है कि इतने बड़े मंदिर की व्यवस्थाएं आखिरकार संचालित कैसे हो रही है? मंदिर पर चढ़ने वाला चढ़ावा, मंदिर के देख रेख में होने वाला खर्च, मंदिर की व्यवस्थाएं, ये सब हिसाब किताब किसके पास है? इस पर सामाजिक कार्यकर्ता वासु सिंह का कहना है कि निरंजनी अखाड़ा सिर्फ मंदिरों में व्यवस्थाओं का संचालन करता है। हमने कार्य क्षेत्र लेने के लिए सेवा हेतु डीएम साहब को जरूर हमने एक पत्राचार किया है कि वहाँ पर कोई ट्रस्ट नहीं है, हम आपके सहयोग से सेवा भाव हेतु, क्योंकि ये धर्मार्थ ट्रस्ट है, हम इसके लिए जो भी वहाँ पे सेवा होगी वो हम करने में सक्षम हैं, हम वैलिड हैं, हमने दर्ज कराई है। 1972 में 13 लोगों का एक ट्रस्ट मनसा देवी मंदिर का संचालन करता था। ये ट्रस्ट लखनऊ में रजिस्टर्ड करवाया गया था, मगर ट्रस्ट के सदस्यों की मौत के बाद से ट्रस्ट का नवीनीकरण नहीं हुआ, जिस वजह से मनसा देवी मंदिर को फिलहाल कोई भी ट्रस्ट संचालित नहीं करता है। इस बीच एक और दिलचस्प बात हुई। वासु सिंह और उनके कुछ साथियों ने मिलकर मनसा देवी धर्मार्थ नाम से ट्रस्ट बना दिया। अब ये ट्रस्ट कैसे बना इस पर भी सवाल है। निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष रविंद्र पुरी भी इसे फर्जी ट्रस्ट बता रहे हैं। 16 फरवरी को वो ट्रस्ट इन्होंने हरिद्वार में रजिस्टर्ड किया। अब मुझे इस चीज से भी बहुत दुख होता है कि जो हमारे अधिकारी यहाँ पे है, रजिस्ट्रार जो है, रजिस्ट्रार साहब ने ये ट्रस्ट जो है कैसे रजिस्टर्ड किया, जबकि ट्रस्ट में क्या लिखा है, मनसा देवी मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट। भाई आप मनसा देवी नाम लिखते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, आपने मनसा देवी मंदिर के नाम का ट्रस्ट कैसे बनाया? मनसा देवी धर्मार्थ ट्रस्ट मामले में पुलिस ने वासु समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, मगर वासु का कहना है कि उन्हें फंसाया गया है। हमारे ट्रस्ट के आज तक बैंक खाते नहीं खुले हैं, ना ही हमने आज तक कोई भी पर्चियां छपवाई हैं, ना हमारी रसीद बुक है, ना हमारा खाता है, तो हम अवैध वसूली किस आधार पर करेंगे? ये द्वेष भाव में इन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। हम अपना पक्ष रखेंगे, सत्य को हम सामने लेके आएंगे, और मैं ये भी दावा कर सकता हूँ कि इनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं हो सकता ट्रस्ट संचालन का जो कि ये पेश कर सके। जो वर्तमान में जो ट्रस्टीज हैं उनमें से किसी ने एक तहरीर दिया है कि माँ मनसा देवी नाम से एक दूसरा ट्रस्ट कुछ लोगों ने बनाया हुआ है, जो
फर्जी है और उसको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो उसमें हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया है। अभियोग पंजीकृत करने के बाद जैसे फैक्ट आएंगे, फैक्ट के हिसाब कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन सही कौन गलत, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। अब सवाल ये है कि आखिरकार इस मामले में असली सच्चाई क्या है। सवाल ये भी है कि ऐसा धार्मिक स्थान जिससे देश के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, वहाँ पर क्या इस तरह का विवाद होना चाहिए। एबीपी गंगा के लिए पंकज राणा की रिपोर्ट। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और सीएम पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात सीएम आवास पर हुई। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकास कार्यों का और समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री से बातचीत की। रुड़की नगर निगम की बैठक में हंगामा हो गया। पार्षदों और मेयर के बीच खूब तू-तू मैं हुई। हंगामे के बीच हालांकि कई प्रस्ताव भी पास किए गए। पार्षदों का आरोप है कि मेयर गौरव गोयल की कार्यप्रणाली से वे खुश नहीं हैं। आरोप है कि मेयर पार्षदों के साथ भेदभाव करते हैं। वहीं विधायक उमेश कुमार भी पार्षदों और मेयर को नसीहत देते नजर आए। पार्षद यहां बहुत ज्यादा उपद्रवी प्रकार के हैं, जिनका काम निश्चित रूप से सिर्फ दंगा करना, बोर्ड ना चलने देना, 40 पार्षदों की बात ना सुनना और हंगामा करके इसको बोर्ड को निरस्त कराना, अपनी मातों को मंगवाना, ऐसा एक ग्रुप बनाया हुआ है। हंगामा करना इनकी आदत में शामिल हो गया है। कुछ जो यहाँ ठेकेदार प्रवृत्ति के लोग हैं, जिन्हें सिर्फ यहाँ पर ठेकेदारी करनी होती है और कोई काम नहीं करना, सिर्फ ठेकेदारी करनी है, नगर निगम से आर्थिक लाभ कमाने हैं। आम आदमी ने चुन के भेजा है तो सदन को चलाओ। सदन में इस तरीके की हंगामेबाजी करना, इस तरीके के कृत्य करना अच्छी बात नहीं। सदन की मर्यादा बना कर रखनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे कहीं मच्छी बाजार में आकर बैठ गया हूं। ये स्थिति अच्छी नहीं है। बढ़ेंगे आगे। साइबर ठगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वे डीएम के नाम पर ठगी कर रहे हैं। मामला पौड़ी जिले का है। साइबर ठग ने डीएम की प्रोफाइल पिक्चर लगाकर व्हाट्सएप के जरिए अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी से 10,000 रुपए भेजने की मांग कर डाली, लेकिन साइबर ठग अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका। डीएम ने अज्ञात साइबर ठग के खिलाफ अब मामला दर्ज कराया है। किसी व्यक्ति के द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों को जिलाधिकारी के फोटो के साथ में और किसी अननोन नंबर से व्हाट्सएप SMS किया जा रहा है। हमने सभी अधिकारियों को जिला स्तरीय ग्रुप में इसके बारे में अवगत करा दिया गया है कि इस तरीके से फ्रॉड कोई व्यक्ति है जो ऑनलाइन फ्रॉड करने का प्रयास कर रहा है, तो कोई इसके झांसे में ना आए और किसी अननोन नंबर से किसी भी नाम का उल्लेख करते हुए अगर कोई गलत मंशा से कॉल किया जाता है तो उसको रिप्लाई भी ना किया जाए। बात करेंगे हरिद्वार जिले की, जिसके कई विधायकों ने DGP अशोक कुमार से मुलाकात की है। इस दौरान भगवानपुर में हनुमान जयंती के दौरान हुए विवाद को लेकर DGP से मुलाकात की गई। विधायकों की तरफ से मांग की गई है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई भी एक पक्षीय ना हो। मस्जिद के सामने शोभा यात्रा को ले जाया गया और वहाँ से ये उपद्रव शुरू हुआ था। पत्थरबाजी हुई वहाँ मस्जिद के सामने, कुछ भड़काऊ गाने वहाँ बजाए जा रहे थे दूसरे पक्ष के द्वारा, तो उस समय झगड़ा शुरू हुआ। पुलिस मौके पर पहुँची, पुलिस की मौजूदगी में रह करके एम्बुलेंस को रोका गया। 3 घंटे एम्बुलेंस रुकी रही और पुलिस और प्रशासन के सामने ही गांव में आगजनी की घटना हुई, तोड़फोड़ हुई। लेकिन पुलिस के द्वारा अब तक आगजनी करने वालों पर, तोड़फोड़ करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, न उनकी तरफ से कोई मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। कार्रवाई जो है वो पूरी की पूरी एक पक्षीय हुई। मुकदमा भी एक ही तरफ से पंजीकृत कराया गया। घंटों तक एम्बुलेंस को रोके रखा गया। पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, लूटपाट के लिए भी लोग कह रहे हैं कि भाई लूटपाट भी हुई है, ताले भी तोड़े गए हैं। तो हमारा ये कहना है कि अपराध दोनों तरफ से पंजीकृत होने चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ से भी लोग पीड़ित हैं, उनके भी मेडिकल हुए हैं। इसके अलावा हम सब ने एक राय एकमत होकर रखी कि इसमें अपराध पंजीकृत कर SIT का गठन किया जाए और इसकी जांच SIT से कराई जाए। उधर नैनीताल के भूमियाधार के जंगल में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए वन विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वन विभाग का कहना है कि तेज हवा चलने की वजह से जंगल की आग तेजी से फैली, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड का इंतजाम करना पड़ा, उसकी मदद ली गई। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ जंगल में लग रही आग लगातार बेकाबू हो रही है।
मसूरी में अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है। मसूरी लंढोर सिविल रोड पर सार्वजनिक पार्किंग पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। इस जगह पर गेट तक लगा दिया गया। शिकायत के बाद प्रशासन ने अब इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। कुछ अज्ञात लोगों ने इस पे जो है गेट लगवा दिया है, जिससे जनता को बड़ी परेशानी होती है। उन्होंने आज हमसे बोला, सुबह हमने भी देखा तो यहाँ पे ताले लगा रखे थे, तो ये इस तरह के कब्जे तो बर्दाश्त नहीं हो पाएंगे। और जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे कब्जे कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उधर नई शिक्षा नीति को लेकर टिहरी में वर्कशॉप कराया गया। वर्कशॉप में एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी शिरकत करने पहुंचे। एनसीईआरटी के निदेशक ने कहा कि नई शिक्षा नीति को लागू करने से पहले समाज के हर वर्ग को भरोसे में लिया जा रहा है और वर्कशॉप के जरिए सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति को 2023 से लागू कर दिया जाएगा।